तू क्यों व्यर्थ की चिंता करता है? कौन तुम्हें रोकेगा? कौन तुम्हें दवाएगा? क्योंकि मैं हूं ना। हिमालय युगों युगों से ऋषि मुनियों की तपोस्थली रहा है। हिमालय भगवान शंकर तथा शैलपुत्री पार्वती की लीला स्थली भी रहा है। हिमालय की मुख्य शाखा एक मध्यवर्ती उप शाखा छोड़ती है जो पीर पंजाल के नाम से पुकारी जाती है। पीर पंजाल के पर्वत हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू को स्पीति से अलग करते हैं। इन्हीं पर्वतों की एक उपशाखा कटराई के पास से अलग हो जाती है। इसे धौलाधार पर्वतमाला कहते हैं। धौलाधार पर्वतों की यह शैलमाला हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के ऊपर अर्धवृत्ताकार में सिर पर मुकुट की तरह शोभायमान है। धौलाधार पर्वतों में ही शिव बोध शक्ति का वास है। हिमालय की जिन जिन चोटियों पर शिव शक्ति की विशेष कृपा लीला रूप में वर्षी, वे जनमानस के लिए पूजनीय बन गई। उन्हीं विशेष दिव्य चोटियों में से एक है धौलाधार पर्वतमाला की गगनचुंबी चोटी चंद्रधार। चंद्रधार पर्वत शैलपुत्री पार्वती की तपोस्थली रहा है। शास्त्र सम्मत मत है कि इसी चंद्रधार के हिम शिखर पर भगवती कौशिकी का प्राकट्य हुआ था। तत्पश्चात इसी चंद्रधार की चोटी पर चंड मुंड के वध के उपरांत महामाया चामुंडा कहलाई तथा तभी से महामाया हिमानी चामुंडा चंद्रधार के इस हिम शिखर पर साक्षात विराजमान है। उत्तर भारत का प्रसिद्ध शिव शक्तिपीठ है श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम, और श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम के ठीक उत्तर की ओर चंद्रधार शिखर है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 10,000 फुट है। श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम से इस शिखर की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। रास्ते में छाया व पानी नहीं के बराबर है और चढ़ाई भी तीखी व कठिन है, लेकिन फिर भी भारत के विभिन्न स्थानों से श्रद्धालुगण महामाया हिमानी चामुंडा के दर्शनों हेतु चंद्रधार की गगनचुंबी चोटी की ओर चल ही पड़ते हैं। Oh,
चामुंडा नंदीकेश्वर धाम से मुख्यतः तीन रास्ते हिमानी चामुंडा की तरफ जाते हैं। एक जिया गांव से होकर, दूसरा पास के टंक गांव से तथा तीसरा जदरंगल नामक गांव से, जो कि श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सभी रास्तों से लगभग 6-7 घंटे का समय लगता है। स्थानीय लोग 4-5 घंटों में चंद्रधार के शिखर पर पहुंच जाते हैं। जदरंगल से लगभग 3 किलोमीटर दूर कंट बग्याड़ा गांव तक जीप योग्य सड़क है। कंट बग्याड़ा इस रास्ते में आखिरी गांव है। यहां श्रद्धालुओं के चलते 2-4 दुकानें भी खुल गई हैं। माँ हिमानी चामुंडा तक सड़क व रज्जू मारे की बात को पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शांता कुमार जी व पूर्व प्रदेश मंत्री श्री किशन कपूर जी के साथ साथ श्री जी एस बाली ने भी दोहराया है। इसके साथ साथ आधी सिद्धपीठ हिमानी चामुंडा के अध्यक्ष श्री पी डी सैनी के नेतृत्व में कुछ बॉलीवुड सितारे भी माँ हिमानी चामुंडा के दरबार में पहुँचे हैं व उन्होंने मंदिर व सराय निर्माण हेतु यथायोग्य आर्थिक मदद भी की है। कंट बग्याड़ा में कुछ देर तक विश्राम करने के उपरांत भक्तजन रास्ते के लिए पानी आदि भरकर अगले पड़ाव की तरफ रवाना होते हैं। ज्यादा दिनों तक पहाड़ पर ठहरने के लिए उसी के अनुसार सामान आदि साथ ले जाना चाहिए। सामने तीखी व कठिन चढ़ाई और पीछे सर्द धुंध से ढका श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम का उग्र सिद्धपीठ, ऐसे में भक्तजन स्वतः ही माँ के जयकारों का उद्घोष करते हैं।
पहली पहाड़ी के चढ़ते चढ़ते ही सामने बर्फानी पहाड़ की ठंडक महसूस होने लगती है। इस तरह लगभग एक घंटे की कठिन व सीधी चढ़ाई के बाद एक समतल सी जगह आती है। इस जगह का नाम है भोंट। यहाँ रास्ते में पानी का एक प्राकृतिक स्रोत है, बावड़ी है। इस स्रोत में गर्मियों में भी पानी देखा जाता है। राह की थकान व पानी के स्रोत की शीतलता यात्रियों को पुनः विश्राम करने के लिए बाध्य कर देती है। यहाँ से योल कैंप व इक्कू खड़ को सहज ही देखा जा सकता है। कुछ देर के विश्राम के बाद श्रद्धालु पुनः उठते हैं। सामने फिर वैसी ही पथरीली व तीखी चढ़ाई मुंह बाय खड़ी होती है, लेकिन फिर भी भक्तजन हृदय में माँ के चरणों का ध्यान करते हुए उसका गुणगान करते हुए आगे बढ़ते हैं। जानकारों का मानना है कि माँ हिमानी चामुंडा की चढ़ाई दूसरे पहाड़ी धार्मिक स्थानों की अपेक्षा कठिन है। भोंट के बाद की सीधी चढ़ाई के उपरांत थोड़ी सी समतल जगह आती है। इस जगह का नाम प्लांटपट है। हर वर्ष जुलाई अगस्त के दो महीनों में चंद्रधार पर्वत की प्रत्येक पहाड़ी पर स्थानीय लोगों को उनके मवेशियों के साथ देखा जा सकता है। अतः बरसात के दिनों में प्रत्येक पहाड़ी पर दूध दही प्रचुर मात्रा में मिलता है। लोग पत्थरों की बनाई छोटी छोटी झोंपड़ियों में रहते हैं। इसी कारण चंद्रधार की प्रत्येक छोटी बड़ी पहाड़ी का स्थानीय भाषा में एक नाम है। प्लांटपट के बाद पुनः सीधी व कठिन चढ़ाई है जो गड़बड़ी कहलाती है। ऊपर के टीले तक पहुंचने के लिए इसमें लगभग 22 छोटे बड़े मोड़ हैं। तब जाकर यात्रीगण पहुंचते हैं एक समतल स्थान पर। इस जगह का नाम सधरे है। यहाँ पर भी रास्ते के पास बरसाती झोंपड़ियाँ मिलती हैं, जहाँ बाद दोपहर चलने वाले यात्री अक्सर पड़ाव डालते हैं। सधरे से एक रास्ता सामने दिखती वृक्ष विहीन पहाड़ी की तरफ चला जाता है, जिसे सुप्पा कहते हैं। सुप्पा शब्द सूप अर्थात छज का अपभ्रंश है। इस स्थान को घड़ी का नाम से भी जाना जाता है। घड़ी के रास्ते से भी हिमानी चामुंडा तक पहुंचा जा सकता है। सीधे रास्ते से एक और पहाड़ी चढ़ने पर श्रद्धालु जन कोटलू नामक जगह पर पहुंचते हैं। कोटलू से सामने दिखती है घड़ी तथा वहां पर बिखरे गढ़ अर्थात किले के अवशेष। कोटलू से ही घाटी की तरफ दिखता है सुप्पे का नाड़ा, जिसका पानी बहते हुए इक्कू खड़ में जा मिलता है और सर्दियों के दिनों में गड़ू नामक जगह पर जमी बर्फ यात्रियों के कदम चूमती है। इसके ऊपर चारों तरफ बर्फ का ही साम्राज्य रहता है। अतः सर्दियों में हिमानी चामुंडा का मंदिर बहुधा बंद रहता है। बर्फबारी में अक्सर इस रास्ते पर लोगों की जानें चली गई हैं। अतः ऐसे में किसी स्थानीय मार्गदर्शक का होना वांछित है। बर्फ से ढकी पहाड़ियों को भक्तजन फतेह करते हुए तंगोटा पहुंचते हैं। बर्फ से ढकी ये झोंपड़ियां बरसात में यहाँ पर भी मानव की दस्तक की गवाही देती हैं। थोड़ा ऊपर चढ़ने पर ही यात्रीगण पहुँचते हैं तल्ला। तल्ला शब्द संभवतः तालू शब्द से बना है। तालू यानी आखिरी या ऊपरी भाग। पीछे मुड़कर देखते हैं तो दूर दूर तक सर्द धुंध में फैली कांगड़ा घाटी दिखती है। आसमान की तरफ देखें तो लगता है कि आसमान को अब छुआ कि तब छुआ। ऐसे में कुछ दूर और चढ़ाई चढ़ने के बाद दिखता है
आदि शक्ति माँ हिमानी चामुंडा के मंदिर का कलश, और भक्त जन हर्षोल्लास के साथ भक्तिमय हृदय से संवेद स्वर में पुकार उठते हैं, जयकारा माँ हिमानी चामुंडा दा, बोल सांचे दरबार की जय। माई मेरी सचियां जोतां वाली माता, तेरी सदा ही जय। Thank you.
तथा 6-7 घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद सिद्धपीठ आदि ही मानी चामुंडा के मंदिर की प्रथम झलक भक्तों को निहाल कर देती है। कई फुट पड़ी बर्फ या कड़ाके की ठंड के बावजूद भी भक्त वत्सला महामाया ही मानी चामुंडा को कातर हृदय से पुकार उठते हैं और माँ के मंदिर के द्वार खुलते ही दर्शन होते हैं। पतित पावनी भुवनेश्वरी माँ आदि ही मानी चामुंडा के, जिसके दर्शन मात्र से भक्तजन स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। इंजीनियर पीडी सैनी की अध्यक्षता में ही मानी चामुंडा की प्रबंधकारिणी समिति ने मंदिर के साथ ही विशाल लकड़ी के हाल का निर्माण करवाया है। मंदिर के ठीक सामने हाल में हवन कुंड की भी व्यवस्था है। हाल के भीतर प्राकृतिक प्रकाश की सुंदर व्यवस्था की गई है। इसके समीप ही माँ हिमानी चामुंडा का प्राचीन मंदिर व यज्ञशाला है। मंदिर के प्रांगण में सराय का निर्माण करवाया गया है, जहाँ पर यात्रियों को आवास, कंबल आदि व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। चंद्रधार के हिम शिखर के पूर्व की तरफ जिया हाइडल प्रोजेक्ट की इनटेक को जाती पगडंडी नुमा सड़क दिखती है। चंद्रधार की चोटी से नीचे घाटी का दृश्य किसी स्वर्ग की कल्पना से कम नहीं है। इन दृश्यों के देखते ही प्रसिद्ध रशियन चित्रकार रोरिक की पेंटिंग्स की याद ताजा हो जाती है। सुबह की लालिमा और चांदी की मानद चमकती बर्फ की सफेद चादर सोम का नाद करते हुए अति तीव्र गति से बहती हवा, ये सब हिमालय पुत्री पार्वती की लीला स्थली होने की घोषणा करते प्रतीत होते हैं। कड़ाके की प्रति ठंड, जिसमें कि झील का पानी भी जम चुका है और उस पर हड्डियों को भी ठुठराती सर्द हवा, परंतु फिर भी यहाँ आकर कोई सराय के भीतर क्यों बैठे। हर कोई माँ हिमानी के मंदिर के इस चंद्रधार के सौंदर्य को हमेशा के लिए स्मृति पटल पर अंकित कर लेना चाहता है। चंद्रधार पर्वत के ठीक सामने ही हिम शिखर है, जिसका नाम तालंग है। इस हिम शिखर की तीन चोटियां हैं। तालंग शब्द त्रिलिंग का अपभ्रंश है। तालंग के साथ की चोटी गौरी मुकुट कहलाती है। धौलाधार के इस हिम शिखर तालंग की समुद्र तल से ऊंचाई 17,500 फुट है। महाभारत कालीन तथ्यों से ज्ञात होता है कि पांडव पुत्र अर्जुन व भीम इस चंद्रधार पर्वत पर काफी समय रहे थे। उस काल में कांगड़ा का राजा सुशर्मचंद था। सुशर्मचंद दुर्योधन का बहनोई था। तालंग के हिम शिखर में भीम ने अपनी गदा गाड़ी थी। तालंग हिम शिखर से नीचे उतरने के लिए भीम ने अर्जुन को कंधे पर बिठाकर घसूट लगाई थी। अतः तालंग पर्वत का घसूट नुमा दिखता मध्य क्षेत्र भीमसेन की घसूट के नाम से विख्यात है। घसूट शब्द का अर्थ है एक ढलानदार सड़क नुमा रास्ता। तालंग हिम शिखर पर एक झील है,
जिसका नाम अर्जुन ताल है। अर्जुन ताल ही पतित पावनी बाण गंगा का उद्गम स्रोत है। ऐसा मत है कि अर्जुन ने अपने धनुष से बाण चला इस बर्फानी सरोवर से बाण गंगा का उद्गम किया था। ऐसी ही लोक कथा माँ ही मानी चामुंडा से उत्तर की ओर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एकमात्र पानी के स्रोत बंगाल बाँ के बारे में है कि एक स्पेरे द्वारा बीन बजाने पर चंद्रधार पर इस बावड़ी का स्रोत फूटा था। धौलाधार की ये दिव्य चोटी चंद्रधार यहाँ के चप्पे चप्पे पर इतिहास बिखरा पड़ा है। दिन के घोर एकांत और रात की नीरवता में ये चट्टाने ये खंडहर आज भी अतीत के इतिहास को बयां करते प्रतीत होते हैं। महामाया हिमानी चामुंडा के पास ये खंडहर अतीत के गौरव जग जननी चामुंडा के परम भक्त चंद्रभान की दास्तां बयां करते हैं। राजा चंद्रभान के नाम पर ही इस धार का नाम चंद्रधार है तथा बाण गंगा के उद्गम स्थल को चंद्र नहर कहते हैं। राजस्व विभाग के अभिलेखों में यहाँ आज भी चिन्हित है चंद्रभान नगर। जग जननी हिमानी चामुंडा की अपार कृपा व शक्ति के कारण ही वह मुगलों के लिए अजय बना हुआ था। उसकी बहादुरी की तुलना वीर शिवाजी से की जाती थी। उसी ने सन 1620 ईस्वी से 1630 ईस्वी के बीच चंद्रधार पर्वत पर माँ हिमानी चामुंडा के सानिध्य में तथा सुप्पा की धार पर किले का निर्माण करवाया। राजा चंद्रभान के हमलों से तंग होकर मुगल बादशाह ने उससे सुलह करने के लिए उसे 52 गांव कलका राजवीर की जागीर देकर उसे राजा की पदवी प्रदान की। इस तरह से राजा चंद्रभान नगरकोट कांगड़ा का 417वां राजा हुआ। Yeah।
एक व्यक्ति एक मिशन मिशन भारत पाकिस्तान बांग्लादेश का संयुक्त राज्य भारत के रूप में मिलाना और मिशन की पूर्ति के लिए IRA की स्थापना, सैयद शहाबुद्दीन द्वारा CBI को सूचना, नेवी की नौकरी को छोड़ना, सिद्धियों के उपयोग के चक्कर में तंत्र मंत्र की खौफनाक दुनिया, आत्माओं से बातचीत, मार्शल आर्ट सीखना, फिल्म इंडस्ट्री का रुख, अंडरवर्ल्ड की कसमकस, सब कुछ अकल्पनीय किंतु सत्य जानने के लिए पढ़िए अधूरा मिशन, एक सनसनीखेज सत्य कथा। 700 पृष्ठ और 60 फोटोग्राफ्स लिए आपके होश उड़ा देने वाली सनसनीखेज सत्य कथा अधूरा मिशन। संपर्क करें कृति पब्लिकेशंस, टंग द्वारा धर्मशाला, कांगड़ा वैली, हिमाचल प्रदेश, पिन कोड 176052। लेकिन मुगलों के लिए राजा चंद्रभान हमेशा एक किरकिरी की तरह खटकता रहा। चंद्रभान हर रोज सुबह सवेरे चंद्र नहर के उद्गम स्थल पर बने ताल में नहाने जाता था। वहां नहाने के बाद ही वह माँ हिमानी चामुंडा की पूजा अर्चना करता था। कहते हैं कि जिया गांव के एक ब्राह्मण ने मुगलों द्वारा घोषित इनाम के लालच में आकर राजा चंद्रभान के सुबह सवेरे अकेले नहाने की बात मुगल बादशाह को बता दी और मुगलों ने चंद्रभान को छल से मारने के लिए षड्यंत्र रचा। मुगल सेना के चुनिंदा लड़ाके एक रात चुपचाप चंद्रताल की तरफ चढ़ने लगे। अपने परम भक्त चंद्रभान को बचाने के लिए भगवती चामुंडा ने चंद्रभान की द्वस्मिनी पत्नी को स्वप्न में संकेत भी दिए, परंतु होनी को कौन टाल सकता था। चंद्रभान रानी को दलासा देकर हमेशा की तरह नहाने हेतु चला। इससे पहले कि वह नहाकर वापस लौटता, वहां घात लगाकर बैठे मुगल सैनिकों ने उस पर हमला बोल दिया। बहादुर राजा ने उनका डटकर मुकाबला किया और अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। चंद्रधार की चोटी पर चढ़ आई मुगल सेनाओं के साथ चंद्रभान की सेनाओं का भीषण युद्ध हुआ। सुप्पे के नाले में खून की धार बही और झरने के रूप में वही, तभी से इस नाले को मुगल छो कहते हैं। छो का अर्थ होता है झरना। भवानी के कोप भाजन से ब्राह्मण का कुल नाश हो गया और अंततः मुगल भी कांगड़ा का किला छोड़ गए। राजा चंद्रभान चला गया और पीछे छोड़ गया ये खंडहर और युगों युगों के लिए माँ हिमानी चामुंडा की गाथा। Thank you.
एक व्यक्ति एक मिशन मिशन भारत पाकिस्तान बांग्लादेश का संयुक्त राज्य भारत के रूप में मिलाना और मिशन की पूर्ति के लिए IRA की स्थापना, सैयद शहाबुद्दीन द्वारा CBI को सूचना, नेवी की नौकरी को छोड़ना, सिद्धियों के उपयोग के चक्कर में तंत्र मंत्र की खौफनाक दुनिया, आत्माओं से बातचीत, मार्शल आर्ट सीखना, फिल्म इंडस्ट्री का रुख, अंडरवर्ल्ड की कसमकस, सब कुछ अकल्पनीय किंतु सत्य। जानने के लिए पढ़िए अधूरा मिशन, एक सनसनीखेज सत्य कथा। 700 पृष्ठ और 60 फोटोग्राफ्स लिए आपके होश उड़ा देने वाली सनसनीखेज सत्य कथा अधूरा मिशन। संपर्क करें कृति पब्लिकेशंस, टंग रवाना धर्मशाला, कांगड़ा वैली, हिमाचल प्रदेश, पिन कोड 176052। क्यों व्यर्थ की चिंता करता है? कौन तुम्हें रोकेगा? कौन तुम्हें दबाएगा?